जेडीयू के अंदर राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह और प्रदेश अध्यक्ष उमेश सिंह कुशवाहा के साथ पार्टी के संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा के बीच घमासान मचा है, वो जग जाहिर है। इसी घमासान के बीच शनिवार को जेडीयू के प्रदेश कार्यालय में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की तैयारियों को लेकर बैठक का आयोजन हुआ। बैठक में प्रदेश अध्यक्ष उमेश सिंह कुशवाहा के साथ महिला प्रकोष्ठ के सदस्यों के साथ पार्टी की तमाम महिला नेता मौजूद रहीं और इस बैठक के जरिए जेडीयू महिलाओं को साधने की रणनीति बना रही है। दरअसल बिहार में 2024 लोकसभा चुनाव और 2025 में विधानसभा चुनावों के लिए मतदान है और जेडीयू महिला मतदाताओं को अपनी तरफ आकर्षित करने की जुगत में जुटी है। बैठक के दौरान जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश सिंह कुशवाहा ने कहा, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के बैंगनी, हरा और सफेद तीन आधिकारिक रंग है। इनमें बैंगनी रंग न्याय और गरिमा का प्रतीक है, हरा रंग उम्मीद का और सफेद रंग को शुद्धता का सूचक माना गया है, जिसके आधार पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपने 17 सालों के कार्यकाल में महिलाओं को न्याय और गरिमा दिलाने के लिए कार्य किया। इसके अलावा प्रदेश की महिलाओं को उम्मीदों का पंख देने के लिए वैचारिक शुद्धता और प्रतिबद्धता के साथ काम किया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने महिलाओं के विकास के लिए जिस तरह से काम किया है, देश में कोई दूसरा मिसाल नहीं मिल सकता। इसके अलावा महिला सशक्तिकरण के लिए बिहार में जितने कार्य हुए, स्वतंत्र भारत के इतिहास में उतना किसी अन्य राज्य में नहीं हुआ। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तारीफ करते हुए प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि नीतीश सरकार अपने पहले दिन से महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए अनवरत प्रयत्नशील है। नीतीश सरकार ने पंचायतों एवं नगर निकायों के चुनाव में महिलाओं को 50% आरक्षण दिया, बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने और शिक्षा के प्रति बालिकाओं का रुझान बढ़ाने के लिए साइकिल और पोशाक योजना के साथ ही कन्या उत्थान योजना की शुरुआत की। परिणाम स्वरूप आज मैट्रिक में लड़के और लड़कियों की संख्या लगभग बराबर हो गई है। आज आवश्यकता है कि उनके कामों और विचारों से हर घर की महिलाओं को अवगत कराने की। 2024 और 25 का चुनाव सामने है। जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष ने दावा किया कि महिलाओं के लिए किए गए कार्यों की वजह से लोकसभा और विधानसभा चुनाव में उन्हें पहले से भी बड़ी जीत हासिल होगी।